feel a bit alive. नमस्कार, मैं चंचल सिंह, आप देख रहे हैं चंचल सिंह ब्लॉग। तो आइए, हम आज मसूदनपुर में हैं और यहाँ पे एक ठकुरबाड़ी है जो कि सदियों पुराना है, करीबन 100-150 साल पुराना है। और यहाँ पे जो है कि राम लक्ष्मण और सीता जी का मूर्ति थे, जो कि वो बहुत ही बोला जाता है कीमती थे और फिर बहुत पुराना थे और बहुत ही सुंदर थे और अष्ट धातु के बने हुए थे। आइए यहाँ के पुजारी से और यहाँ के जो ये मंदिर का जो पुजारी हैं उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं उनके बारे में। तो आप यहाँ के क्या हुए? हम पुजारी हैं। पुजारी हुए। आपका नाम? रुबीजा। अच्छा, आपका घर? घर हमारा खड़ा है, मगर यही हमारा जिंदगी समूचा खत्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ रहते हैं 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से आप यहाँ रहते हैं? हाँ। और यहीं पे इनका सेवा सत्कार करते हैं, मंदिर का पूजा वगैरह सब आप ही करते हैं? हाँ। तो यहाँ पे जो मूर्ति थे और उनका देख रेख भी आप ही के अंदर था? हाँ, हमारे अंदर बाबू सब जाते थे मंदिर। अच्छा, मतलब कि पूरे गाँव का लोग जो है कि यहाँ पूजा करने के लिए आते थे? गेट बंद रहता था या फिर गेट खुला रहता था? गेट जाकर के बंद कर देते थे। हाँ। उसका टाइम होता है खुलने का, उस समय हम खोलते थे गेट। अच्छा, कब से कब खुलता था और कब बंद होता था? खोलते थे जाकर के शाम में, जाकर के 6:30 बजे खोलते थे। शाम को 6:30 बजे खोल लेते थे। हाँ। फिर बंद कब करते थे? बंद करते थे 8:30 बजे तक बंद कर देते। और दिन में? दिन में भी हम बंद करते हैं जाकर के। अच्छा, तो यहाँ पे पता चला है हमें कि यहाँ का जो मूर्ति था वो कुछ दिन पहले चोरी हो गया है। हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कैसे चोरी हुआ है वो? और रात में जाकर के ताला लगा के हम चले गए, सोते थे बगल में डेरा में जी। हमको जाकर के 1 साल से बीमारी है माथा का। अच्छा, माथा का बीमारी उठ गया था, जैसे भाव तो आता है उसी तरह हमको इस मंदिर में भाव ऐसा आने लगा। तब जाकर के हम जाकर के सोचे थे जाकर के दवाई खाते हैं, अभी मेरे पास डेरी डेरी दवाई रखा हुआ है, दवाई खा के सोचे थे बगल में हम बच्चे से रह रहे हैं तो सबको अपना ऐसा हो गया जी। तो जाकर के हम वहाँ पर सोचे थे बगल में, ताला लगा के वहीं पर सोचे थे 1 साल से वहीं सोचे थे ताला। तो ये जो चोरी हुआ है किस दिन हुआ है? 3 मार्च को। 3 मार्च को चोरी हुआ है। हाँ, रात में। रात में ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के गेट वगैरह तोड़ के निकाल लिया गया। हाँ, है ना? हाँ। तो यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस वगैरह सब आए थे क्या? नहीं? हाँ, आए थे सब। छानबीन तो हुआ? छानबीन। किस प्रकार से छान हुआ? छानबीन पूरा हुआ, मगर मूर्ति का पता नहीं चल सका है। मूर्ति का पता नहीं चला। आइए, हम यहाँ के जो इनका जो घर के लोग हैं जिनका ये मूर्ति है, तो का ये जो 4 परिवार से हैं तो उनमें से एक हैं जिससे कि हम अभी पूछताछ कुछ करेंगे। तो अंकल जी, आप बताइए कि ये जो मूर्ति है तो ये आप ही का है? आप फैमिली का है? पूरा फैमिली परिवार है, आप लोग परिवार, यानी कि आप लोग 4 परिवार हैं, 4 परिवार का है। आप लोग के जो पूर्वज थे वो इनका निर्माण किए थे? पूर्व जमींदार थे पंजवाड़ा देवड़ी के जी। क्या नाम थे? स्वर्गीय शालिग्राम प्रसाद सिंह। अच्छा, वो आपके कौन थे, दादाजी थे या पापा थे? परदादा। अच्छा, आपके परदादा थे, वो जमींदार थे यहाँ के। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो है कि निवासी किस नाम से जानते हैं? मधुसूदन नगर ठाकुरबाड़ी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है कौन कौन सी मूर्ति थी? राम लक्ष्मण सीता और छोटा छोटा सा बहुत मूर्ति, छोटा सा बहुत मूर्ति था। सब क्या चीज़ का बना हुआ था? सब अष्ट धातु का मूर्ति था। अच्छा, तो यहाँ जो चोरी हुआ उनके बारे में आपको क्या मतलब जानकारी? हमको कुछ भी जानकारी, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, हम हैदराबाद में रहते हैं, अपना काम करते हैं वहाँ, ये वही आपको डिटेल में जानकारी दे सकते। तो चलिए, अभी इनको पूरा पता नहीं है कि कैसे क्या हुआ था, तो अभी इनको हम यही बोलेंगे कि थोड़ा सा आप मंदिर दिखा देंगे अंदर जा कर के, कहाँ पर वो मूर्ति था जहाँ से चोरी हुआ था और क्या क्या बचा हुआ है, कैसे है, थोड़ा सा आप दिखाएंगे। आप लोग बने रहेंगे वीडियो पे अंत तक। चलिए, हम आगे चल के दिखाते हैं अंदर जा कर के। तो चलिए, हम अंदर की ओर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर में क्या क्या है। ठकुरबाड़ी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही पुराना है, जो पूर्वजों के राजाओं के द्वारा बना हुआ ये मंदिर है।
तो आइए हम दिखाने का प्रयास करेंगे और बराबर हम आप हम अपने वीडियो के द्वारा हम दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ये ताला है इसमें लगा हुआ था जी, उसको खंती मार के तोड़ा, खंती का दाग दिए जी, खंती मार के इस ताला को तोड़ दिया जी। और एक ताला दो को ताला लगा हुआ था, यही से काट दिया। ये जो है वहाँ काटते है बंदे ताला निकल गया था, थाना चला गया था। ये जो है कि इसको काट दिया गया था, हाँ, काट करके निकाल लिया, हाँ, इसको काट दिया, बस घुस गया इसमें, ये ताला बंदे रह गया। तो वो जो मूर्ति था अष्ट धातु का वो कहाँ पे था? वो था यहाँ पर शेर था, समझे? इसको हमने बेजर बन को बैठा दिया यहाँ पर, यहाँ पर शेर था, देखिए खदान बना हुआ है। अच्छा, ये खदान बना हुआ है, इसी अंदर भगवान शेर रहते थे, देखिए खदान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बना हुआ है, यहीं पे तीनों मूर्ति था, जो कि बहुत ही कीमती मूर्ति था, पुराना बहुत पुराना जो है कि अष्ट धातु का बना हुआ था, करीबन वो लाखों करोड़ों का मूर्ति था, तो इसीलिए जो है कि चोर का इस पे बुरी नजर पड़ा और वो जो है कि यहाँ से चुरा करके ले गया। अब जो है कि यहाँ पे वैसा कुछ अष्ट धातु का तो बचा होगा, तो बचा हुआ है। चलिए हम आपको जहाँ तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।